हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नई ट्रिक करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है, जो उसका घनमूल है, उसको हम किस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग कोई भी नंबर हमें दिया हुआ उसका हम क्यूब रूट किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे तीन कॉलम बनाया, ठीक है। अगर कोई भी हमें चार डिजिट वाला नंबर दिया हुआ, कोई भी चार डिजिट वाला नंबर, जैसे यहाँ पे दिया है 1728, ठीक है, तो 1 2 3 4, इसमें कितने डिजिट है? चार डिजिट है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी अगर नंबर आपको दिया हुआ, उसका आपने क्यूब रूट निकालना, तो आप किस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। आपने आराम से समझना है कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। कोई भी चार डिजिट वाला नंबर, उसका क्यूब रूट हम किस तरह निकाल सकते हैं, आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लास्ट वाला नंबर देखना होता है। क्या करना होता है? लास्ट वाला नंबर देखना होता है। जैसे यहाँ पे 8 दिया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, कि जब हमें लास्ट में 8 दिया होता है, तो हम उसकी जगह 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर जैसे 8 था, तो उसकी जगह हमने लिया 2, ठीक है। क्योंकि ये चार डिजिट वाला नंबर है, इसलिए हम इसमें आगे वाला सिर्फ एक नंबर लेते हैं। आगे का नंबर कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर लेते हैं। तो आगे है 1 दिया हुआ, ठीक है। जब भी आपका नंबर 8 से छोटा होता है, आगे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपका नंबर 8 से छोटा होता है, तब हम यहाँ पर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो 1728 का जो क्यूब रूट है वो हमारा है 12। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 12 को 3 बार, तो आपके पास 1728 ही आएगा। अब एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमें ये नंबर दिया 1728, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने लास्ट वाला नंबर देखना है, ठीक है। लास्ट में जैसे 8 दिया है, तो 8 की जगह हम लोग 2 लेते हैं। अगर 2 दिया होता तो उसकी जगह 8 लेते हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे 1 ही दिया होता, तो हम 1 की जगह 1 ही लेते। 2 दिया होता तो 8 लेते, 3 दिया होता तो हम 7 लेते, 7 दिया होता तो हम 3 लेते, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये चार डिजिट वाला नंबर है, तो इसमें जैसे हमने लास्ट वाला नंबर देख लिया, तो लास्ट वाला नंबर में पता लगा कि ये आएगा। उसके बाद आपने सिर्फ आगे वाला एक नंबर देखना है, जो सबसे पहला नंबर होगा, ठीक है। तो 1 दिया है ना, जो हमारा 1 है, 1 से लेके 7 तक जितने भी नंबर है, ठीक है, 1 से 7 तक, अगर इस तरह का कोई भी नंबर यहाँ पे आगे लिखा हुआ होगा, तो आपने वहां पे 1 लेना है। क्या लेना है? 1। बट 1 से लेकर 7 तक वो नंबर आपका 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लियर, ठीक है। अब चार डिजिट वाला आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि आपको ये वाला तो जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। चार डिजिट वाला कोई भी नंबर आएगा, आप उसका मिनटों में निकाल सकते हो, ठीक है, या सेकंड में। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने जल्दी आप निकाल सकते हो। तो मुझे इसमें मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड लगते हैं किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है उसको निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप भी उतनी जल्दी इसको कर सकते हो। तो दूसरा नंबर देखो, अब यहाँ पे है 9261, लास्ट नंबर देखना है, 1 की जगह हम लोग लेते हैं 1, तो लास्ट नंबर तो 1 आ गए। अब आगे वाला नंबर लेना है, क्योंकि ये चार डिजिट वाला नंबर, तो हम एक ही नंबर लेते हैं। अब ये नंबर देखो, आप ये नंबर हमारा 8 से बड़ा है। क्या ये 8 से बड़ा है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने आपको किस तरह से बताया था कि कौन सा नंबर किन दो नंबरों के बीच में लाई करता, तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, ठीक है। जब हमारा नंबर जैसे 1 और 8 के बीच में होता है, तब हम लोग 1 लेते हैं। जब 8 और 27 के बीच में होता है, तब हम लोग 2 लेते हैं। तो जो हमारा 9 है वो 8 और 27 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है। तो जो 9261 है, इसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास आ गया 21। आप 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपके पास 9261 ही आएगा, ठीक है। तो चार डिजिट वाला कोई भी नंबर आपको दिया हो, आपने ध्यान क्या रखना है? सिर्फ लास्ट नंबर और पहले वाला नंबर, लास्ट नंबर और पहले वाला नंबर, ठीक है। तो आप 5 या 6 सेकंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट तो समझ आया होगा, ठीक है,
कि 4 डिजिट वाला अगर कोई भी नंबर दिया हुआ तो आप किस तरह से उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पोर्शन की ओर। सेम प्रोसेस है, हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब 5 डिजिट वाला नंबर, कोई भी नंबर जिसमें 5 डिजिट दिए हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो मैंने रैंडमली 2 नंबर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इन सभी में एक चीज कॉमन है, ठीक है, कि जो लास्ट वाला नंबर है ना उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले नंबर के लिए जो फ्रंट वाले नंबर है, जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होता है तो जो हम नंबर यहाँ पे काउंट करते हैं वो भी थोड़ा इंक्रीज होता है। जैसे 4 डिजिट वाला था ना तो हम यहाँ पे लेते थे ओनली 1 नंबर या 1 डिजिट, ठीक है, तो 1 नंबर लेते थे। ठीक है, या इस तरह समझ लो कि हम लेते थे फर्स्ट नंबर कि कोई भी हमें जो डिजिट दी हुई थी हम उसका जो फर्स्ट नंबर थे वो लेते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 डिजिट वाला नंबर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है, ठीक है, वो लेते हैं फर्स्ट 2 डिजिट। अब ये 1 2 3 4 5 5 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखना है, लास्ट में 2 दिया है तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 की जगह हम लोग 8 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट का नंबर तो आ गया 8। अब आगे वाला नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट के 2 नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट के 2 नंबर, क्योंकि ये 5 डिजिट वाला नंबर है। अब 54 है। ठीक है, जो हमारा 54 है अब वो किन 2 नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 से 8, 8 से 27, 27 से 64। ठीक है, कि ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में नहीं है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में नहीं है, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा 54 है वो हमारा 64 से तो छोटा है तो हम 4 तो नहीं लेंगे, बट हमारा ये 27 से बड़ा है तो हम लोग इसमें 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। तो ये देखो, अब इसको किस तरह से हमने समझना है, जब भी आपका कोई 5 डिजिट वाला नंबर आपको दिया होगा, कोई भी 5 डिजिट वाला नंबर, ठीक है, तो आपने सबसे पहले वो नंबर देखना है कि वो नंबर किस 2 नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। अगर वो 27 और 64 के बीच में है, ठीक है, इनके बीच में, तो आपने 3 लेना है। अगर वो 64 से बड़ा होता है और 125 से कम होता है तो आपने 4 लेना है। ठीक है, आपने सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर देखना है, 2 नंबर। ठीक है, उस तरह से हम लोग किसी भी 5 डिजिट वाले नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 38 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल इसमें, उसको भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर है वो देखना है, लास्ट नंबर है 7। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 7 की जगह हम लोग लेते हैं 3। ठीक है, उसके बाद आगे वाले 2 नंबर देखें। अब ये वाले नंबर 27 और 64 के बीच में तो नहीं आते हैं, 64 और 125 के बीच में आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? काउंटिंग की तरह देख लो आप लोग, 64, 65, 66, इस तरह से 79 इन दोनों के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे 4। ठीक है, क्योंकि ये 125 से कम है बट 64 से ज्यादा है तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी 5 डिजिट वाला नंबर दिया हुआ हो और उसका आपने क्यूब रूट निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपने ना जो आपके नंबर है वो काउंट करने के, कितने नंबर आपको दिए, अगर वो 4 डिजिट वाले दिए तो आपने आगे वाला 1 नंबर लेना है, अगर आपको 5 डिजिट वाले नंबर दिए तो आपने आगे वाले 2 नंबर लेने। ठीक है, 5 डिजिट दिया है तो आगे वाले 2 नंबर लेने, ये सिर्फ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है, अगर हमें 6 डिजिट वाला कोई भी नंबर दिया हो तो हम क्या करें। जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट नंबर के लिए तो सेम प्रोसेस रहता है, अब 2 दिया, 2 की जगह हम लोग लेते हैं 8। ठीक है, अब 6 डिजिट वाला नंबर है तो इसमें हम आगे के 3 नंबर लेते हैं। क्या करते हैं? आगे वाले 3 नंबर लेते हैं। अब वो आगे वाले 3 नंबर देखने की किन 2 नंबरों के बीच में लाई करते हैं, तो 314 है। ठीक है, ये हमारा 216
और 343 के बीच में लाई करेगा। अब आप बोलोगे कि आप ये वाले नंबर कैसे लिख रहे हो, ये हो गया हमारा 6 का क्यूब और ये हो गया हमारा 7 का क्यूब, इन दोनों नंबर के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। 343 से छोटा है बट 216 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी लोअर वैल्यू होती है ना वो लेते हैं, ठीक है। तो लोअर वैल्यू है 6, तो हम यहाँ लेंगे 6, तो ये हमारा आ गया 68, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हमारा एक एक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, जो हमारी डिजिट है वो बड़ी हो रही है, तो हम जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था फर्स्ट नंबर एक ही नंबर, यहाँ लिया था हमने दो नंबर, अब 6 डिजिट वाला तो उसमें हमने लिया 3 नंबर, आगे 7 डिजिट वाला होगा तो हम लेंगे 4 नंबर, उस तरह से आगे आगे बढ़ते रहे, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा, लास्ट वाला नंबर निकालना सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब ये इसका दूसरा एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं, 6 दिया है, ठीक है, तो 6 की जगह हम लोग 6 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर हमें 4 दिया है तो 4 ही आएगा, 5 दिया है 5 ही आएगा, 6 दिया है 6 ही आएगा, 9 दिया है 9 ही आएगा और 1 दिया है तो 1 ही आएगा। सिर्फ ये 5 नंबर है जिनका आपको पहले ही पता लग जाएगा कि अगर लास्ट में वो नंबर दिया तो मेरा वो नंबर ही आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ 9 दिया हुआ होता तो यहाँ भी 9 ही आता, ठीक है। तो लास्ट नंबर तो हमने निकाल लिया, अब आगे वाले 3 नंबर ले लें। अब इन 3 नंबरों को देखो, ये हमारा आता है 729 और 1000 के बीच में, जो 729 होता होता 9 का जो, 1000 होता 10 का जो, ठीक है। 729 से बड़ा है ये और 1000 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे लोअर वैल्यू लेंगे 96, ठीक है। तो कोई भी 6 डिजिट वाला नंबर आपको दिया हुआ हो उसका आपने क्यूब रूट निकालना है, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों जो डिजिट हैं इनका समझ आ गया होगा कि किस तरह से कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो तो आप किस तरह से उसका जो क्यूब रूट है उसको निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, छोटे भाई बहन होते हैं उनको भी शेयर करना है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करना है, ठीक है। तो आई होप कि जो ये वाली ट्रिक है क्यूब रूट निकालने की, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।